हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हीटर का, जो दी आप देख सकते हो ओरबिट का। जी मैंने नया लिया है। आप एक और मेरी वीडियो पुरानी देख सकते हो, वो तब भी मेरे पास इसी कंपनी का था, लेकिन वो था ये वाला। इसकी आप वीडियो देख सकते हो, इसको क्या हुआ, ये ख़राब हो गया था, क्यों कैसे हुआ था आपको बताऊँगा। और तो इसकी ये था कि हाँ भी ये ख़राब हो गया था, लेकिन चल रहा है अभी। इसका ये एक चीज़ ख़राब हुई थी, वो मैं बाद में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहे। तो है ना, इसलिए मैंने ये नया लिया है। तो ये भी 2000 वाट का है, तो ये भी 2000 वाट का है, ठीक है जी। इसकी वारंटी इन्होंने कितनी, 1 ईयर की थी, शायद 2 ईयर की थी, मुझे पता नहीं अभी। तो इसकी वारंटी का पता नहीं, इसका मॉडल नंबर ये है, आप देख सकते हो पुरानी वीडियो में, डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा या ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। ये भी अच्छा था, इसलिए काफ़ी साल मेरा ये इसने निकाला है। तो इसके क्योंकि ये देख सकते हो 2015 से, मैंने 2016 में लिया था मैंने, तो अब ये लिया है मैंने। तो ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है। इसका बेस्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। चलो अब हम इसकी बात करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और बेल आइकन को क्लिक कर देना। जो होम में यूज़ होते हैं अच्छे प्रोडक्ट, वो सब भी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और मेरे साथ। पहले भी हम इसका बॉक्स ही दिखा देते हैं, यानी कि मैंने यूज़ नहीं किया इसको। यूज़ देखो, गंदा काफ़ी हो चुका है। यूज़ किया है मेरा 10x12 का कमरा है, तो इसमें बहुत ही अच्छी हीटिंग कर देता है। तो ये भी कर देता था हीटिंग, तो ये भी कर देता है। तो तभी मैंने इसी कंपनी का सेम लिया, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो बताऊंगा क्या है। तो चलो हम अब शुरू करते हैं, इसके फीचर में बारे बताते हैं। इसका मॉडल नंबर है गाइस, इसका मॉडल नंबर देख लो, OEH-1260। तो इसका था OEH-1120, ठीक है जी। सेम ही ज़्यादातर चीज़ें इनमें आप दोनों में देख सकते हो। तो ठीक है जी, बस प्राइस और ये 2022 का बना हुआ है, ये 2015 का बना हुआ था, तो मैंने अभी लिया है इसको, थोड़ी चली हुआ है तो यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे इतनी ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ पर, तो बहुत ठंड पड़ रही है, तो इसलिए मैंने लिया है कि ठंड हीटर के बिना तो नहीं रहा जाता, और छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए बहुत ही हीटर चाहिए चाहिए भाई। और ये भी 2000 वाट का है, और 2 साल की इसकी वारंटी है। 100% प्योर इन्होंने दिया है, 100% प्योर कॉपर वायर मोटर है, और टिपिक सेफ्टी, ट्रिपल सेफ्टी की, 3 तरह की सेफ्टी असोर में है ये, ठीक है जी। और प्लास्टिक का मैंने ये क्यों लिया है वो भी बताऊंगा आपको। इसमें इन्होंने बता दिया हाँ भी 2 हीटर सेटिंग है, और कैन यूज़ एस फैन में चलता है, कैन यूज़ एस फैन, ठीक है जी। और थर्मास्टेट सेटिंग इसमें है, टेम्परेचर कंट्रोल, और कोड विंडो फैसिलिटी है इसमें, ठीक है जी। और अब हम हीटर में दिखाते हैं, और ये आप पोज करके जा दीजिए, बाकी फीचर आप देख लेना क्या क्या इसके हैं, है ना। तो ये यहाँ पर वीडियो पोज करनी है तो पोज कर लेना, आप बताते हैं आगे। और ये रहा हीटर, और हीटर में हमें मिल जाती है, इसमें 3 मीटर की वायर मिल जाती है, 5 फुट की, जिसको हम 5 फुट बोल देते हैं, 5 फुट। और इसमें शू मिलता है बड़े वाला, और ये नॉर्मल शो में तो लगेगा, जहाँ पर एसी लगता है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर मेरा एसी लगता है तो यहाँ पर इस साइड लगेगा, बड़े वाला मिलता है कि बड़े वाले प्लग में लगेगा, सिंपल नॉर्मल वाले में नहीं लगेगा, जहाँ पर मोबाइल चार्जिंग और लैपटॉप है ना, ऐसी चीज़ें लगा लेते हैं, टीवी लगा लेते हैं, वैसे में नहीं लगेगा, और बड़े वाले शो में ही लगेगा, तो वही लेना आप। और यही आ गया इसका फ़ैन जहाँ पर, और नीचे इसकी आ गई इतनी स्पेस, नीचे से इतनी स्पेस, ये कैसे दिखाऊं, ऐसे चलेगा, हाँ पुट्ठा कर देता हूँ थोड़ा, इतनी स्पेस देता है, आधा मतलब ये होगी 1.5 इंच,
डेढ़ इंच के हिसाब से इतनी इतनी मतलब इसकी स्पेस है नीचे से, ठीक है जी। और टू नॉट कवर, कवर नहीं करना है इसको जब भी आपने चलाना है, और पीछे से ऐसे आ गया नीचे से, और ये इसके पैर ऐसे चार दिए हुए हैं, और यहीं पर हम वायर को भी ब्लेड सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं आपको क्या करके दिखाऊं, यहाँ पर ये पिक्चर है, हाँ यहीं से देख लो ऐसे कवर करके हम। ये इसमें ना ये बहुत अच्छा है कि हम कहीं पर जाना हो, ठंडी जगह में जाना हो, तो होटल वोटल में जाना हो, किसी घर जाना हो, आराम से लेके जा सकते अपना हीटर। ये ऑयल हीटर से मुझे ये फ़ैन वाला हीटर अच्छा लगता है और काफ़ी सही लगता है। और इसके आगे ये मोड, अब दो स्विच हैं इसमें, और ये है कि ऑफ हो गया, यहाँ से फिर करेंगे ऑन, फ़ैन चलेगा, ये 1000 वाट में चलेगा, ये 2000 वाट में चलेगा। ये थर्मल सेटिंग कंट्रोल आ गया, थर्मल स्टेट कंट्रोल आ गया, जैसे गाड़ियों में होता है, हम भी जैसे हीटिंग ज़्यादा चाहिए तो फुल कर दो, कम चाहिए तो कम कर दो, ठीक है इसका है। तो इसका मैं सही बात बताऊँ, मैंने इतने चेयर हो गया मुझे यूज़ करते हुए इसको, तो बिल्कुल भी मैं कहूँ कि मुझे इस चीज़ इस स्विच का मुझे कोई काम नहीं आया, ना कोई काम है। जैसे मैं कहीं मैं वीडियो देख रहा था, ऐसे बोल रहे थे अभी आप टेम्परेचर एक सेट कर दो, पहले टेम्परेचर देखो रूम का, या इसका भी टेम्परेचर सेट कर दो, ऐसे यहाँ पर कैसे टेम्परेचर सेट होगा यार, समझ नहीं लगी मुझे अभी इतनी हीटिंग आएगी। और यहाँ से देखो ये कट की आवाज़ आती है, इसको बंद कर दो ऑटोमेटिक, ये बंद मतलब आपका रूम का हीट, जैसे इतना टेम्परेचर आपने सेट किया है, ये टेम्परेचर के हिसाब से है ये चीज़ें, ये जो इन्होंने पार्ट्स बनाए हुए हैं, हाँ ये वाले चीज़, वो उसके कहने का मतलब जो वीडियो में देखा था, तो अभी ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऑफ करके देखा था, फुल पूरा मेरा रूम गर्म हो गया था, आधे घंटे तक मैंने उसको, फिर मतलब बाद में उसको ऐसे बंद कर दिया था, आधे घंटे तक वेट करता था, ऑटोमेटिक चलेगा ये रूम ठंडा होने से, नहीं चला, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका कोई काम नहीं आया। और इसको ज़्यादा करता हूँ उतनी हीट देता है, कम करता हूँ उतनी हीट देता है। अगर किसी ने यूज़ किया है या किसी के दोस्त दास्त ने यूज़ किया है, बताना यार ये करता है वर्क के नहीं करता, मेरा तो नहीं ऐसे वर्क करता, सिंपल वही हवा देता है। और मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसको, तो फिर हम बात करते हैं बाकी। ये मैंने पीछे प्लग इसका लगा दिया है, तो इसको हम करते हैं ऑन। ये देखो ये हो गया फ़ैन ऑन, आपको आवाज़ आती होगी, यहाँ से आप देख सकते हो फ़ैन ऑन हो गया, इसको मैंने यहाँ पर फुली किया हुआ है। अब चलेगा हीटर, ये एक नंबर में मैंने प्रेस कर दिया, अब ये चल रहा है हीटर, हीटर गर्म हवा देने लग गया, और इसकी नॉइस इतनी नहीं है कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा आपको परेशान करे, ऐसा कुछ नहीं है। और प्लास्टिक का मैंने इसलिए लिया है कि बच्चा या कोई हाथ लगाए, हम हाथ में जैसे अभी लगा रहा हूँ ज़मीन में बैठा हूँ, तो कोई शॉक करंट नहीं मारता, ये कि लोहे का होता ना वो करंट मारता, क्योंकि वो भी मेरा पहला ना ऐसे ही था, ये भी वाला वो भी कभी करंट नहीं मारा इसने, ये ख़राब हो गया था। तो अब फिर मैंने क्या सही कराने की वो कोशिश की, लोकल में नहीं हुआ, इसका एक पार्ट था जो आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि ये वाला पार्ट था है ना, ये वाला ये ख़राब हो गया था। ये ऑटो कट होता है कि अगर आपका हीटर कि आगे कोई अपने ना सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ये था कि हमें कपड़े जल्दी सूख के आगे रख दिए, ये अब गलती मत करना ना ही, बिल्कुल बिल्कुल आगे इसके चीज़ मत रखना। तब पार्ट ना ये वाला पार्ट हो गया था ख़राब, क्योंकि हमने ना कपड़े सर्दियाँ इतनी पड़ रही हैं तो कपड़े आगे रख दिए कि सूख जाएँ, तो इतने आगे मत रखना कि हाँ भी हवा क्रॉसिंग नहीं होती, मतलब हीट यहाँ पर रहती है तो फिर वो बैग जाती है हीट, तो फिर बंद हो जाता है। जैसे ही दो बार हुआ तो चलो फिर ऑटो कट तो हो गया था, बंद हो गया। उसके बाद फिर अगले दिन चलाया तो थोड़ी देर चला, इसके बाद ना ये इसका ख़राब हो गया, तो लोकल अंकल से मैं गया तो इसको ठीक कराने, तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ ख़राब हो गई, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया इसको, डायरेक्ट कर दिया। तो मैं घर में लेकर आया इसको, चलाता था है ना, खुद ही थोड़ी देर चलता था, गर्म होता था इसकी ना आगे वाली जो वायर है ना वो गर्म होती है ये वाली, तो होती थी तो नाली वो ऑटो कट में चला जाता था। तो इसका ना वो टेम्परेचर अंदर की तरफ होता है इसका, इसको खोल के करना होता है, जैसे इसमें है कि हीट कितनी चाहिए, तो ये तो काम करता है नहीं, इसमें कितनी मर्जी अभी फुल है, इतनी हीट की है मैंने, तो इसकी भी इतनी है अभी, इसका उन्होंने सेट कर दिया है, इसकी इतनी हीट रहेगी, ऑटो कट नहीं होगा।
तो कम कर दी थी, लेकिन फिर भी ये ना ऑटो कट में जा रहा था, फिर मैंने नया ही मंगवा लिया क्योंकि ये पार्ट नहीं मिल रहा था। अगर किसी को पता है ये चीज़ कहाँ पर मिल सकती है, ये चीज़ है इसकी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना यार। ऑनलाइन भी मैंने सर्च किया, नहीं मुझे मिली इसकी, ये चीज़ है जो नहीं मिल रही, तो बताना कि अगर किसी को पता हो तो। चलो अब हम इसकी बात करते हैं। इसका ये है कि हाँ भाई टेम्परेचर हमने इसका जैसे उसमें होता है, कार में होता है कि हाँ भाई तेज़ ज़्यादा गर्म हवा चाहिए तो फुल कर दो, कम चाहिए तो कम कर लो, ठीक है ना। ये हो गया ऑटो कट। उसने जैसे वीडियो देख रहा था कि अभी यहाँ पर आपने टेम्परेचर एक सेट कर दिया, जी कि मान लो ये वाला फर्स्ट वाला कर दिया या सेकंड वाला कर दिया, फुल कर दिया, कोई भी कर दिया आपने, आपका हो गया अभी रूम हीटर गर्म हो गया कि शायद ऑटो कट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या फिर आप ऐसे करोगे तो फिर वो खुद ही ठंडा होने पर रूम चल पड़ेगा। ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं इसमें है, तो ये चीज़ नहीं, बस यही है कि टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसका टेम्परेचर सेम रहता है, फुल रखो कम रखो सेम रहता है। अभी जैसे जितनी हीट दे रहा है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्या उतनी हीट दे रहा है, फुल किया हुआ है, और सेकंड में मैं करूँगा थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, ये नहीं कि तेज़ नहीं होती। जो ये वाला था ना, इसको सेकंड में मैं जैसे ही करता था ना, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा वाइट वाइट हुआ पड़ा ना, यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर देखना, यहाँ पर जैसे वाइट वाइट हुआ पड़ा ना, तो उसकी उसकी ना रोड आप देख सकते हो, तो वो ना रेड हो जाती थी, यहाँ इस साइड में, इस साइड में रेड हो जाती थी। मैंने ऊपर ही रख लिया कि हाँ भी आपको बता दूं, जैसे वो वाला हीटर था है ना, तो बहुत ही गर्म हवा दे रहा है, इसको मैंने पहले एक नंबर में कर लिया, तो ये फुल्ली है। इसको टेम्परेचर को कम करो ज़्यादा करो, हवा सेम ही रहती है, कोई कम गर्मी ज़्यादा गर्म हवा नहीं देता, तेज़ करने से कम करने से कम हवा गर्मी नहीं फेंकता, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही रहती है इसका। अगर आप किसी को पता हो तो मुझे बता देना। और है अच्छा ये, प्लास्टिक का ही लेना कि हाँ भी, और दूसरे जो होते हैं मुझे तो अच्छे लगे, क्योंकि बहुत ही वो ना ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। इसका पंखा है कि हाँ भी ऑक्सीजन ही कम करने देता, आपने पहले भी मेरी वीडियो देखी होगी तो वो देख सकते हो। अगर आपने कौन सा लेना, मेरे हिसाब से तो मुझे दोनों सेम ही लगे, उसका थोड़ा प्राइस कम होगा, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आपको कौन सा भी अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं, दोनों के मैं डिस्क्रिप्शन में लेके दे दूँगा। जैसे कार में होता है कि हाँ भी होना चाहिए कि ज़्यादा करनी हीटिंग तो ज़्यादा होनी चाहिए, कम करनी है तो कम होनी चाहिए, कुछ नहीं होता भाई, यहाँ पर आता ही आपको टक्की आ जाती है तो बंद हो जाता है और कुछ नहीं होता। अगर आप किसी को पता है इसका कैसे वर्क करना है बताना कमेंट करके। इतनी स्पेस रखनी है, आगे कुछ नहीं रखना, आगे रखोगे ये ऑटो कट खुद ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मान लो कि आपने कोई चीज़ रखी, ठीक कपड़े रख दिए यहाँ पर इतने पास में, तो पास में रख दिए, ये हीटिंग इसकी बैक जाएगी क्योंकि हवा हवा लगकर घूमती है, तो इसके पीछे घूमेगी तो हीटिंग यहाँ पर यहाँ तक ही रह जाएगी, रूम में नहीं आएगी, ज़्यादा ज़्यादा इस जगह में रह जाएगी, वो खुद ही ऑटो कट हो जाएगा। इसका ये सिस्टम है, ख़राब नहीं होगा तो ऑटो कट हो जाएगा। अगर ऐसे होता है तो आधे घंटे तक आप वेट करना, उसके बाद चलाना, ये खुद ही चल पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ भी उसी टाइम आप चलाओगे फिर नहीं चलेगा, आप सोचोगे ख़राब हो गया ये बेकार था, ऐसा कुछ नहीं, आधे घंटा आपको वेट करना ही पड़ेगा, इसकी मशीन जो ठंडी होगी तो बिल्कुल ठंडी होगी फिर चलेगी उसके बाद। तो ऐसा है इसका सिस्टम, उसका भी था इसका भी है, और हम मिलते हैं। और ये था इसका रिव्यू, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन क्लिक कर लेना। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लेकर आता रहता हूँ तो ये बताता रहता हूँ, तो इतनी स्पेस रखना, और कहीं घूमने जाना हो तो ठंडी जगह में आप लेकर जा सकते हो, इसलिए बैग में आ जाएगा, छोटा सा है, इतना बड़ा भी नहीं है और अच्छा है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोनों का, हीटर का आप चेकआउट कर सकते हो, अच्छे प्राइस में है, तो ठंड में इंजॉय करो। और एक में ही मेरे 10x12 का रूम है, एक में मैं ज़्यादा चला कर रखता हूँ, तो हीटिंग बहुत जम लेता है थोड़ा सा, कि आप लगातार 2 घंटा भी चला कर रखोगे ना, आप कहोगे बस इनर ही मैं रहने दूँ बाकी ठीक है ऐसे ही रहने दो, मतलब रूम को बिल्कुल एक में ही अच्छा गर्म कर देता है, ऐसे नहीं कि ठंड लगने देता है। तो ये थी इसकी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और एक और चीज़, इसके ऊपर भी नहीं रखना कोई चीज़, ठीक है, कि इसको कवर कर दो, कवर नहीं करना कहीं से भी, यहाँ पर भी या बिल्कुल इसके नीचे कुछ आप डाल दो, हाँ भी, और नीचे भी फैन की हवा आती है, ऊपर से भी, ऊपर से खींचता है यहाँ पर फेंकता है, और नीचे से गर्म हवा भी इसकी निकलती रहती है, इसको ऊपर से नीचे से भी, ठीक है, नीचे से भी स्पेस रखनी है, ऊपर से भी कवर नहीं करना, कहीं पर से कवर नहीं करना, इसको ऐसे ही ओपन में रहने देना है,
कि आपको गर्म हवा मिलती रहे, ख़राब ना हो आपका हीटर और अच्छा चले, लंबा चले और लंबी समय तक आप हवा गर्म लेते रहो और खूब खूब इंजॉय करो। और बाबा जय हिंद। आज 26 जनवरी है और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे।